आज की हमारी जो प्रेस वार्ता होने जा रही है हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, हमारे साथ तीनों चेयरमैन सैनिटेशन के नरेंद्र जी, हमारे स्वच्छता के यशपाल शर्मा जी, कुलदीप जी हमारे सोशल जस्टिस के। एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का प्रयास किया गया पिछले दिनों, हमारे पिछले 6 महीनों से इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी। हमारा जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा जो आईटी सेक्शन है इसके लिए कार्यरत था विद दी हेल्प ऑफ महुआ, जिसमें हमने हमारी डायरेक्टर जो है महुआ की रीतारा जी के प्रयासों के माध्यम से ये सक्षम हो ये संभव हो पाया कि हमारी जो डेथ बर्थ सेक्शन है उसमें जितनी भी एप्लीकेशंस लगती थी उनको हमने ई सर्विस में कन्वर्ट करा है, ताकि जो लोग यहाँ पे आते थे और उनको इनकन्वीनियंस होती थी, एक पेपर के लिए उनको 10 बार यहाँ पे विजिट करना पड़ता था, उन सब जो सर्विसेज हैं उनको हमने ई सर्विसेज में कन्वर्ट किया है। और इसका जो फर्स्ट फेज उसमें 14 एप्लीकेशंस को हमने ई सर्विसेज के माध्यम में जनता के बीच में रखने का प्रयास किया है। जो पिछले कल हमारे ऑनरेबल हमारे LG साहब मनोज सिन्हा जी के माध्यम से उनके करकर्मलों के माध्यम से हमारे सेक्टर में इसकी इनॉग्रेशन हुई है, तो हम चाह रहे हैं कि जनता की अवेयरनेस के लिए जनता इस चीज़ों को जाने और इसको इसकी जो फैसिलिटी हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से दी गई है उसको अवेल कर पाएँ। तो जनता की अवेयरनेस के लिए हमने ये प्रेस वार्ता आपके माध्यम से रखी है, जिसमें मैं थ्रो करना चाहूँगी कि पहला हमारा है ऑनलाइन इश्यूएंस ऑफ नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द कमर्शियल एक्टिविटीज़। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी हमारे अगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में होगी तो उसकी जो परमिशन है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है वो जनता जो है वो ई सर्विसेज के माध्यम से वो इसको अवेल कर सकती है। हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है इश्यूएंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट एंड इंक्लूशन ऑफ चाइल्ड नेम इन द एग्जिस्टिंग डीड। जो भी हमारा एग्जिस्टेड उनका डाटा हमारे साथ इनपुट हमारे साथ रहेगा, अगर उसमें वो अपने बच्चे का नाम इंक्लूड करा सकते हैं उसमें भी वो ई सर्विसेज के माध्यम से इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इश्यूएंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, सेम इज़ द केस, अगर किसी ने अपना डेथ सर्टिफिकेट लेना है वो उधर से ऑनलाइन अगर उनकी एप्लीकेशन आती है तो हम वो उसको डाउनलोड उसी में करवा सकता है उसी ई सर्विसिंग के माध्यम से, और इसमें जो सिग्नेचर रहेंगे वो भी हमारे डिजिटलाइजेशन के माध्यम से रहेंगे। हमारी फोर्थ एप्लीकेशन है करेक्शन ऑफ एक्सिस्टिंग बर्थ में रिकॉर्ड में अगर कोई हमें करेक्शन करानी है तो ये सर्विस भी हमारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रहेगी। एप्लीकेशन फॉर द करेक्शन इन द एग्जिस्टिंग डेथ रिकॉर्ड में कोई अगर हमने करेक्शन करानी है वो सर्विस भी वो अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टिफिकेट फॉर द बर्थ रिकॉर्ड, अगर बर्थ रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है उसमें वो भी जो फैसिलिटी है वो ई सर्विसेज के माध्यम से वो अवेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ दिस वेरी इश्यूएंस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर्स की जो अगर परमिशन लेनी है तो वो भी व्यवस्था हमारी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से रहेगी। एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मिल्क डेयरी, उसकी भी अगर आपने व्यवस्था जो है वो ई सर्विसेज के माध्यम से रहेगी। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फॉर इश्यूएंस ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग रेहरी लाइसेंस, किसी ने रेहरी लाइसेंस के लिए अगर एप्लीकेशन देनी है तो ये व्यवस्था भी ई सर्विस के माध्यम से रहेगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, हमारे पेट डॉग्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होगी। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट क्लिनिक पेट ट्रेड एंड पेट ट्रेड ऑन, उसके माध्यम से कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी हमने पेट अगर हमने घर में रखना है या उसके कंसर्न में कोई भी हमने ट्रेड अगर इंस्टॉल करना है या उसकी व्यवस्था अवेल करनी है वो उसकी परमिशन भी हमारी जो है ई सर्विसेज के माध्यम से रहेगी। 13 वाली है एप्लीकेशन फॉर द न्यू सीवरेज कनेक्शंस के लिए, अगर हमारी ये सीवरेज की व्यवस्था कनेक्शन कोई नया अवेल करना है तो उसकी व्यवस्था भी ई सर्विस के द्वारा रहेगी। एप्लीकेशन फॉर रोड कटिंग, कहीं एक डिपार्टमेंट अभी काम करके जाता है दूसरा फिर कटिंग करने के लिए आ जाता है,
और हमारा मेस जो हमारी रोड्स पे क्रिएट होता है इसको सुव्यवस्थित ढंग से कटिंग हमारी रोड्स की हो, और इसकी जो परमिशन है पहले हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से कंसर्न डिपार्टमेंट को लेनी पड़ेगी, तभी उन रोड्स की कटिंग की जाएगी। तो एक प्रयास हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से किया गया है कि ये सर्विसेज जो ऑनलाइन हो, जो कंजेशन हमारे कॉरपोरेशन एरिया में इसमें ऑफिस में रहती है उससे सुव्यवस्थित ढंग से रहे और जनता इनकन्वीनियंस को ना जूझते हुए इन सर्विसेज को घर बैठे ही अवेल कर पाए, ऐसे प्रयास हमारे कॉरपोरेशन के माध्यम से किए गए हैं। आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से मैं जनता में यही अवेयर करना चाहती थी अलॉन्ग विद हमारे ऑनरेबल चेयरपर्सन के द्वारा कि जो इलेक्टेड पर्सन हम इस हाउस में जनता ने भेजे हैं, क्या अपेक्षाएं हैं जनता की, उन पे हम किस माध्यम से उतरने का प्रयास कर रहे हैं, इसी का जो हमने एक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम एक बात है कि जो ऑनलाइन सेवा शुरू की गई और एक ऑनलाइन सेवा है जो ई पेमेंट, जी जी मैम, वो कभी कभार मशीनें बंद रहती हैं, पब्लिक को बहुत मुश्किल होती है। आपकी बात से सहमत हूँ। एक कोशिश की गई है, पहले हम अपना लोकल स्तर पे एक प्रयास किया था ई पेमेंट का, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का, जिन्होंने यहाँ से 370 और 35A को एब्रोगेट करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हमारे जम्मू रीजन में होना शुरू हुई है। उनके प्रयासों का आभार व्यक्त करते हुए हम जनता के लिए उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतर सके इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे।